इंदौर में जन्मी देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला से जाने जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। निधन की खबर सामने आते ही देश भर से प्रार्थना और श्रद्धांजलियों का दौर शुरू हो गया। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। बीते दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर में रखा गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। दीनानाथ मंगेशकर सेवंती मंगेशकर की बेटी लता की परवरिश महाराष्ट्र में ही हुई थी। लता मंगेशकर के परिवार का कला से नाता रहा। उनके पिता कलाकार थे। लता मंगेशकर खुद गायिका बनी। उनके अलावा भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले भी संगीत से जुड़ी रही। लता मंगेशकर का संगीत की दुनिया में योगदान अतुलनीय था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया था। वे 3 नेशनल अवार्ड विनर रही थी। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने 5 की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए कभी शादी नहीं की थी। लता मंगेशकर चाहे ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई हैं। लता दीदी के इन गानों ने उन्हें इस दुनिया में अमर कर दिया है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत अपने और यूडी न्यूज के माध्यम से लता जी के इस निधन पर दुख व्यक्त करता हूँ। भारत रत्न सुरु की सरस्वती लता जी आज हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई। लता जी, आप हमेशा अपने संगीत के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हम सब करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में रहेंगी। आपको सादर नमन। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर इमरान खान। आज जैसे ही मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान की कोयल इंदौर शहर में जन्मी लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही, तो बहुत मेरे साथ साथ उनके चाहने वालों को भी बड़ा दुख हुआ। अल्लाह से दुआ है कि उनके तमाम चाहने वालों को सब्र दे। चूंकि लता मंगेशकर साहिबा इंदौर शहर से थी, तो चूंकि मैं भी इस मिट्टी का हूं, तो इस मिट्टी से अलग ही एक लगाव और एक अलग ही दुख होता कि हम बड़े शान से कहते थे कि देखो लता मंगेशकर इंदौर की है, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। तो जिन्होंने अपने शहर का नाम रोशन करा, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा, उनका जाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राष्ट्र के लिए क्षति है। हम पूरे इंदौर की ओर से उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक चीज हमारे लिए जरूर राहत की है कि उनकी आवाज कयामत तक के हमारे कानों में गूंजेगी। मित्रों, भारत की स्वर कोकिला यानी कि इंडिया नाइट एंगल हम सब की अपनी भारत रत्न श्री लता मंगेशकर मैम, लता ताई ने अपना शरीर त्याग दिया है, उनका स्वर्ग लोक गमन हो चुका है। सो आज हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। मैं इंदौर शहर से बिलोंग करता हूँ, इंदौर में ही उनका जन्म हुआ था। और वह सिर्फ इंदौर की ही नहीं, मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की आन बान और शान थी। जब उनकी आवाज आती थी तो कानों को अत्यंत ही वह अच्छी लगती थी, सुरीली लगती थी। और उन्होंने ऐसे लेजेंडरी गाने जैसे कि ए मेरे वतन के लोगों, जिसे
सुन के हर एक भारतवासी के आंख में आंसू आ जाता है। ऐसे महान गाने उन्होंने गाए हैं, सो आज के दिन हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि इतनी अच्छी जो स्वर कोकिला थी उन्होंने भारत में जन्म लिया और हम सबको इतने साल 92 ईयर्स अपनी सुंदर आवाज से हमारे कानों का आनंद देती रही। नमस्कार, मैं सोनिया सोनू गुप्ता बॉलीवुड से। आज सुबह सुबह खबर मिली कि लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही, बहुत दुखद समाचार मिला, विश्वास नहीं हो रहा है, और मेरे और मेरे परिवार की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं एजाज मंसूर बॉलीवुड से, फैशन डिजाइनर एक्ट्रेस। आज सुबह एक बड़ा ही दुखद समाचार मुझे मिला, लता जी हमें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गई हमें। ये सुनकर मेरा मन बड़ा अशांत हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नमस्कार। आज एक हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। हमारी लता दीदी, लता मंगेशकर जी, देवलोक में गमन कर चुकी है और यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे कब करीब थी इतने दूर होने के बाद भी, क्योंकि उनकी जो आवाज़, जो उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था, हमारे रग रग में बसी हुई है और मतलब बहुत मुश्किल है उन्हें भूलना। और मैं यही चाहूँगी मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मैं चेताली जैन, डायरेक्टर ऑफ पावर ऑफ फैशन, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ पूरे परिवार की तरफ से, कि उन्हें जहाँ भी अभी अगला जन्म मिले बहुत अच्छी जगह मिले। और कुछ शब्द ही नहीं है उनके। इंदौर से यूडी न्यूज के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की विशेष रिपोर्ट।